नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है संजीवनी अस्पताल सिरसा में। अब मेरे साथ है डॉक्टर कुलविंदर सिंह गिल, जो कि यहाँ पे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जोड़ प्रत्यारोपण की सर्जरी भी करते हैं और खेलकूद में लगने वाली चोटों का भी इलाज करते हैं। यही नहीं, जो एक्सीडेंट ग्रस्त मरीज होते हैं, जिनका एक्सीडेंट हो चुका है या एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी है, उनके क्रश फ्रैक्चर कहते हैं जिसको, उसका भी इलाज करने में सक्षम है। आइए डॉक्टर साहब से जानेंगे कि किस किस तरह की यहाँ पे सर्जरी उपलब्ध है संजीवनी अस्पताल में और किस केस किस किस जगह पे उनको प्रत्यारोपण करने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर कुलविंदर सिंह से। देखिए, आज के टाइम घुटनों की बीमारियों को हम दो भागों में देख सकते हैं। एक तो जो हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आजकल जो इंजरीज हैं, एक वो जिसमें कि घुटने के अंदर दो तो हमारे धागे होते हैं, एक इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, एक क्रूशियल क्रूशियल लिगामेंट, दो छल्ले होते हैं, मीडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, और दो साइड में उनको सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, लेटर को लेटर लिगामेंट, मीडियल को लेटर लिगामेंट। ये जो चोटें हैं अक्सर खिलाड़ियों में गेम खेलते हुए घुटना एकदम से मुड़ जाने की वजह से या सीधी घुटने पे चोट लगने की वजह से, इनमें से किसी का भी डैमेज हो सकता है, इनमें से एक का भी हो सकता है, एक से ज़्यादा का भी हो सकता है। जैसे कि किसी का छल्ला फट सकता है, किसी का सिर्फ ACL फट सकता है, किसी का ACL PCL दोनों फट सकते हैं। उन केसेस में जो कि ये इनको हम स्पोर्ट्स इंजरीज भी कहते हैं, ऐसे केसेस में दूरबीन के द्वारा दूरबीन की सुविधा से हम ACL में, तो जैसे कि हम उसको नया धागा बनाते हैं, नया धागा बनाने के लिए हम हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट लेते हैं। हैमस्ट्रिंग हमारी खुद की मांसपेशियां होती हैं, उसका टेंशन लेकर हम नया ग्राफ्ट डाल देते हैं। जिनमें हैमस्ट्रिंग नहीं है उनमें हम पटेलर बोन पटेलर ग्राफ्ट लेके उसको दूरबीन के द्वारा ओपन कर देते हैं। और छल्ले को छल्ले के ऊपर जैसे छल्ला फटा हुआ है तो अगर तो वो रिपेयर करने लायक है तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है, अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता तो हम उसकी मिनिस्ट्रेक्टमी कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं जो हिस्सा अटक रहा है। दूसरी जो घुटने में दिक्कत हो सकती है, जो सबसे कॉमन दिक्कत है, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो नेचुरल हमारे जोड़ की चिकनी सरफेस होती है, चिकनापन होता है, या हम कहते हैं कार्टिलेज, वो कार्टिलेज धीरे धीरे उम्र के हिसाब से घिसना शुरू हो जाता है। वो घिसने की वजह से जोड़ में दर्द होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस अंदर के साइड दर्द से शुरू होती है, फिर मरीज को सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में, नीचे ऊपर बैठने में, इन चीज़ों में तकलीफ होनी और शुरू हो जाती है। जब नीचे बैठ के उठता है तब भी तकलीफ होती है, सुबह दर्द कई बार ज़्यादा होता है, ये सब ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में फिर हमारे ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स हम एक्सरे को देख के जो ग्रेडिंग है उसके अनुसार कि जितना जॉइंट स्पेस कम हो रहा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। शुरुआत में बहुत सारी अच्छी मेडिसन्स हैं जिससे कि एक आप ये जो चिकनाई है इसके हम कमी को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं, लेकिन जिनमें ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन पे पास हमारे एक ही विकल्प बचता है कि हमें घुटना बदलना पड़ता है। अब जो पहले जो आज से पहले जो इम्प्लांट आते थे या जो जोड़ आते थे, उन जोड़ों में और आज के जोड़ों में बहुत फ़र्क है। आज के जोड़ हाई फ्लेक्स नीज जिसको हम कहते हैं, उनकी मूवमेंट नॉर्मल जोड़ जितनी ही होती है, और आदमी वैसे हम ये नहीं कहते कि चौंपड़ी मारनी चाहिए, लेकिन हाई फ्लेक्स में लोग चौंपड़ी मारकर भी बैठ सकते हैं। दूसरी बात, जो मरीज इस ऑपरेशन के बारे में डरते हैं कि तो हाई इतना बड़ा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, नी रिप्लेसमेंट एक बिल्कुल सेफ ऑपरेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें का देखना जरूरी है। एक तो मरीज का वजन वगैरह कंट्रोल में होना चाहिए, जितना ज़्यादा वजन हो, ये देखा गया है
आमतौर पर 100 किलो से ज़्यादा के मरीज में जो रिप्लेसमेंट की जाती है वो इतनी कामयाब नहीं है जो 100 किलो से नीचे वालों में है। और बाकी आज के टाइम जो इम्प्लांट्स आ रहे हैं उनकी अवधि जो कि उनकी लाइफ कहते हैं लाइफ स्पैन कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और ये मानते हैं कि अगर आप एक बार बदल दोगे तो दोबारा शायद इस जन्म में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस बारे में और घुटनों में बाकी बीमारियों की वजह से भी कोई दिक्कत होती है जैसे सेप्टिक आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और उनमें भी घुटना बदला जा सकता है।